Hello students, this video lecture is on operating system for BE 4th sem CSE by Ms. Neelam Sharma, CSE department. हम लोग यूनिट नंबर 3 चालू किए थे कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ डेडलॉक को पहचानने में कैसे यूज होता है. ठीक है, ये डेडलॉक का कैरेक्टराइजेशन था जिसमें चार कंडीशंस थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट. इन कंडीशंस की वजह से ही सिस्टम में डेडलॉक होता है. अगर इसमें से एक से दो कंडीशन आपको दिख रही है, मतलब इसका मतलब आपका सिस्टम डेडलॉक की तरफ जा रहा है. ये डेडलॉक का कैरेक्टराइजेशन था. उसके बाद डेडलॉक को पहचानने के लिए हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज़ किया था. मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था कि अगर साइकिल है तो डेडलॉक होगा, साइकिल नहीं है तो नहीं होगा. कई बार साइकिल रहने से भी डेडलॉक नहीं होता है, डिपेंड करता है वो. आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेडलॉक प्रिवेंशन. प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम. हम डेडलॉक को होने से कैसे रोक सकते हैं? तो डेडलॉक की ये जो मेन चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से किसी को भी हमने रोका, वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक बाय एलिमिनेटिंग एनी ऑफ द अबव फोर कंडीशंस. किसी भी एक कंडीशन को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो डेडलॉक प्रिवेंट हो सकता है. तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हम एलिमिनेट करें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिससेटिस्फाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिकॉज सम रिसोर्सेज सच एज टेप ड्राइव एंड प्रिंटर आर इनहेरेंटली नॉन शेयरेबल. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन ये था कि एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड, वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज द रिसोर्स. लेकिन जो प्रिंटर और टेप ड्राइव है वो नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज में आता है, तो हम इसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते. अब दूसरी बारी आती है एलिमिनेट होल्ड एंड वेट की. इसमें दो कंडीशंस है हमारे पास कि अगर हम होल्ड एंड वेट को एलिमिनेट कर पाए तो एलोकेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू द प्रोसेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ इस एग्जीक्यूशन. दिस वे होल्ड एंड वेट कंडीशन इज एलिमिनेटेड बट विल लीड टू लो डिवाइस यूटिलाइजेशन. या तो हम रिसोर्सेज को पहले ही एलोकेट कर दें. अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है और सपोज उसको 5 रिसोर्सेज चाहिए और हमने उसको 5 पहले ही दे दी, तो ये एक कंडीशन है कि वो होल्ड एंड वेट को हम एलिमिनेट कर पाएँ. जैसे कि अगर किसी को प्रिंटर चाहिए और स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन में हमने उसको प्रिंटर अलॉट कर दिया, तो प्रिंटर तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता. लेकिन अगर प्रिंटर उसको लास्ट में चाहिए रहेगा तो बाकी प्रोसेसेस फिर प्रिंटर के लिए वेट करते रहेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. द प्रोसेस विल मेक अ न्यू रिक्वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज आफ्टर रिलीजिंग द करंट सेट ऑफ रिसोर्सेज. दिस सॉल्यूशन में लीड टू स्टारवेशन. एक प्रोसेस न्यू रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है आफ्टर रिलीजिंग करंट सेट ऑफ रिसोर्सेज. अभी मेरे पास अगर 5 रिसोर्सेज हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए, मैं 5 को रिलीज़ करके कोई नया रिसोर्स मांगती हूँ, तो ये कंडीशन मुझे स्टारवेशन की तरफ लेके जाएगा. स्टारवेशन का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं रहेगा, वो प्रोसेस बिल्कुल ही खाली हो जाएगा. तो होल्ड एंड वेट को एलिमिनेट करना भी इट्स नॉट एन ईजी टास्क. तीसरी हमारे पास कंडीशन है नो प्रिम्पशन. प्रिम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रिम्पशन मतलब होता है रोकना. प्रिम्प्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोसेस व्हेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय अदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस. अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करने जाता है और बीच में किसी और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है जिसको वो रिसोर्स चाहिए जो पुरानी प्रोसेस के पास है, तो उस रिसोर्स को रोक के प्रिम्प्ट करके हम हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को उस रिसोर्स को अलॉट कर देते हैं. और लास्ट है आपका एलिमिनेट सर्कुलर वेट. ईच रिसोर्स विल बी असाइंड विद अ न्यूमेरिकल नंबर. अ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट द रिसोर्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर. अगर P1 को R5 रिसोर्सेज एलोकेट है, तो नेक्स्ट टाइम अगर P1 R4 और R3 के लिए डिमांड करता है लेसर देन R5, तो वो रिसोर्स उसको नहीं मिलेगी
क्योंकि हमने उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स या मैक्सिमम नंबर रिसोर्स उसको अलॉट किया है, तो उससे कम का उसको नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा उससे ज़्यादा का मिलेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को R5 अलॉट करती हूँ तो नेक्स्ट उसको R6 और R7 ही अलॉट होगा, R4 और R3 नहीं होगा। इसलिए या तो हम शुरू से अलॉट करना चालू करें कि पहले R1, R2, फिर R3, ताकि आगे की रिसोर्सेज जब वो डिमांड करे तब हम उसको दे सकें। तो इस वीडियो लेक्चर में ऐसा है कि अगर हम ये जो 4 डेडलॉक की कंडीशंस हैं इनमें से किसी को भी हम अगर एलिमिनेट कर सकते हैं तभी हम डेडलॉक का प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम डेडलॉक अवॉइडेंस।